अभी अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकले और देखिए गोवा में आके मैं चश्मी सी बन गई हूँ। सनग्लास की जगह मुझे स्पेक्स पहनना पड़ा, अभी क्या करूँ। तो यस, अभी थोड़ा सोचे बीच में जाए, अभी पूल साइड में आए और इस बार पूल ओपन है। लास्ट टाइम जब आए थे तब कोविड का इतना ही प्रॉब्लम था कि पूल ओपन नहीं था, इस बार पूल है ओपन। तो मुझे स्विमिंग तो नहीं आती बट मुझे बहुत मन है क्योंकि गर्मी के वेदर में मज़ा आता है पूल में। तो फिलहाल सोच रही हूँ कि रूम में जाके फिर भी सनग्लास लेके आती हूँ, देन बीच पे जाते हैं और रूम से व्यू भी दिखाती हूँ। बहुत सुपर व्यू है रूम का। मैं थोड़ा सा पूल एरिया दिखाती हूँ, पूल काफ़ी अच्छा है इनका। पूल के ऊपर ऐसा ब्रिज टाइप है ना, बहुत मज़ा आता है देखने में। आई थिंक ये पूल जैसा तो नहीं है, ये ऐसा वाटर फाउंटेन जैसा। वहाँ पे बार एरिया भी है, दिस इज़ अ नाइस थिंग एक्चुअली, पूल के साथ बार एरिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मॉर्निंग शुरू हुई है गोवा से। ये फाइनली हम लोग अभी बीच में जा रहे हैं। कल रात को भी गए थे बट रात को अभी अंधेरा था, कुछ तो हमें भी दिखा नहीं, आप लोगों को क्या ही दिखा था। तो इसलिए अभी जस्ट ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है, अभी बीच पे जा रहे हैं। फुल क्लाउडी है एंड हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजल हो रहा है। और इस बार हमारा रूम से ना बीच एकदम नज़दीक है, 300-400 मीटर्स में ही है। पहले लास्ट टाइम थोड़ा दूर था। तो अच्छा, तो चलते हैं। और सी का सा आवाज़ सुनाई दे रहा है, पता है रात को एक्चुअली कल सी का आवाज़ भी अच्छे से रूम में सुनाई दे रहा था, मज़ा आ गया। चलिए आप लोगों को भी बीच घुमाते हैं। काफ़ी ज़ोरों से एक्चुअली बारिश शुरू हुआ है अभी, बट ठीक है, होटल का रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी था कि आपके एनिवर्सरी पे इधर ट्रिप पे जाओ। यस, फाइनली हम लोगों ने वो कर दिया है। या फील गुड फैक्टर तो है डेफिनेटली, बहुत मज़ा आ रहा है। सी की आवाज़ तो बहुत मिस करी थी बैंगलोर में बैठे, इतने 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गए। एनीवेज, अभी थोड़ा सा इन्जॉय करते इस ऑसम से वाइब को और फिर से बाद में मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो अभी आने के बाद रूम भी क्लीनिंग एंड ऑल हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों का अच्छा सा व्यू दिखा दूँ दिन के टाइम पे, तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ आएगा। अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास करेंगे बैठ के, थोड़ा टीवी वगैरह देखेंगे, मैं अपना काम करूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड भी करना है। यस, ताकि टाइम पर अपलोड होता रहे। तो मैं संडे का वीडियो डालने वाली हूँ, जो आफ्टरनून ब्लॉग था पूरा, बाहर गए थे हम लोग, वो सब कुछ मैं वीडियो एडिट करती हूँ, फटाफट हो जाएगा होपफुली। अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ का वाईफाई घर जैसा तो फास्ट होगा नहीं। एनीवेज, जो भी हो मैं फटाफट वो डाल के थोड़ा सा करती हूँ, देन बाद में निकलेंगे। अभी नहीं निकलेंगे, अभी सन तो नहीं है, सनलाइट इतना नहीं है, बट थोड़ा सा गर्म ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा फील हो ही रहा है, तो मे बी अभी नहीं निकलेंगे, लंच के बाद ही निकलेंगे। ये रहा हम लोगों का बालकनी से व्यू, वो सामने सी दिख रहा है और बहुत अच्छा एक्चुअली आवाज़ भी आ रहा है सी का, देख पा रहे हैं आप लोग सी। और यहाँ पे पूल व्यू, सब कुछ एक्चुअली मिला है क्योंकि ये स्वीट शायद से हमने लग्जरी स्वीट और बुक किया है, इसलिए व्यू बहुत अच्छा मिला है। पार्ट तो ये है कि बेड पे बैठे बैठे भी वहाँ पे सी दिख रहा है, वेव्स दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो जस्ट अभी लंच किया, 1:30 PM हो रहा है। हम लोगों ने आज मटन बिरयानी ऑर्डर किया था तो मटन बिरयानी खा लिया। यहाँ पे लास्ट ईयर जब आए थे तब खाना ना इतना ऑनेस्टली अच्छा नहीं था, बट इस बार खाना काफ़ी टेस्टी, बिरयानी ही खाया, कल खाया था रात को चिकन बिरयानी, आज मटन बिरयानी, दोनों ही सुपर्ब था। तो मेरा अभी वीडियो यहाँ पे रेंडरिंग चल रहा है, वो रेंडर हो गया है तो मैं आज अभी अपलोड करूँगी, क्योंकि जनरली तो 11:30 AM को अपलोड करती हूँ, बट ठीक है चलेगा। हॉलीडे हॉलीडे के लिए आए तो थोड़ा सा अभी मैं रेडी हो गई हूँ, एक क्रॉप टॉप और उसके साथ एक शॉर्ट्स पहना है। मैं दिखाती हूँ कि मेरा जो अभी का आउटफिट है वो कैसा लग रहा है।
सो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे लगा ये वाला जो ड्रेस है बीच वेयर के लिए ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। वो थोड़ा सा घर का जो ड्रेस होता है ना, नाइट ड्रेस टाइप का, वो ऐसा लग रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया। अभी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने एक ऐसे स्लिंग बैग ले लिया है, जस्ट थोड़ा बहुत एसेंशियल रखा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बीच जाने के लिए। दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, सो ह्यूज। एक्चुअली गोल्फ रिसोर्ट है ना, तो गोल्फ का बहुत सारे जगह, ये तो कुछ भी नहीं, इससे कई गुना बड़े बड़े जगह बीच के नज़दीक है। और हमारे गाड़ी यहाँ पे ही पार्क्ड है, तो जाते हैं। आज हम लोग अगोंडा जाएंगे सोच रहे हैं, लास्ट टाइम भी गए थे, काफ़ी अच्छा बीच है, शार्क्स उसके काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो देखते लास्ट टाइम जो शार्क्स में बैठे थे वो आज मिलता है क्या नहीं। तो चलिए अभी चलते निकलते हैं। Just hope you know my depth, even though it makes no sense. Sometimes I'm broken, too much of emotions. Sometimes I'm the lightning, don't wanna pick a fight with it. Everything seems so good, I guess I can't help myself. हम लोग अगोंडा बीच आ गए हैं, और जो रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम हम लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था, खाए थे डनिल बोल के, वो फुल बंद हो गया है। देखिए रेस्टोरेंट ये साइड पे, ये तो बंद है ही, और यहाँ पे सब रिसोर्ट टाइप था, ये भी बंद है। इट वॉज शॉकिंग फॉर अस एक्चुअली, हमको लगा कि खुला रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बंद क्यों हुआ, अभी तो गोवा का सीजन है ना। इधर से चलो ना, थोड़ा नीचे आते, मई तो सीजन नहीं है, बोला मई सीजन है। तो नीचे चला गए, चला है कि सीधा पलोलेम चले, थोड़ा सा जाके आते हैं। तो एक आदमी नहीं दिख रहा है, सिर्फ लाइफ गार्ड छोड़ के। माई गॉड, थोड़ा डरावना है ना, एकदम सिक्योरिटेड लग रहा है, कोई नहीं है। सो हम लोग आ गए फाइनली पलोलेम बीच, और यहाँ पे यस भीड़ है, शायद भी वगैरह ओपन है, इतना भीड़ है यहाँ पे। तो पार्किंग भी फर्स्ट जहाँ पे पार्किंग था वहाँ पे नहीं मिला, बाद में दूसरी जगह पे करना पड़ा। एनीवेज हम लोग यहाँ पे शैक्स में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में कैफे सिल्वर स्टार बोल के कुछ खाना भी ऑर्डर किया है। तो जाते हैं अंदर, खाते, भूख लगी, देन बाद में दिखाते। और कुछ है नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ओके टाइप है। और मतलब हमारे पास अगर साउथ गोवा में रहे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है पलोलेम बीच में आने का, और नहीं तो होटल का। लेट्स सी, कुछ प्लान करते, देखते क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश शुरू हो रही, और गाड़ी भी काफ़ी दूर पार्किंग किया है, तो चल के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता अभी। और पता नहीं कब रुकेगी, काफ़ी देर से हो रही है, और छाता भी सब गाड़ी में। क्या पहले जैसे हम लोग घर होटल में आए हैं, और नहा के फ्रेश व्रेश हो गई मैं, तो अभी थोड़ा सा आराम करते, रिलैक्स करते। ऑलमोस्ट 9 PM हो रहा है, हितेश नहाने गए, वो एक बार नहा के आ जाए, देन डिसाइड करते हैं कि आज डिनर में क्या करना है। पहले सोचा तो थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, बट सच पूछ यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास है नहीं, सिर्फ दिखा है नागोंडा बीच भी बंद फुल, और पलोलेम में थोड़ा बहुत शैक से, बट बाहर बारिश भी इतनी हुई, आज वह जाने का मन नहीं हो रहा है। तो सोच रहे कि होटल में कुछ मंगवा के हम लोग डिनर कर लेंगे। तो ये रहा हम लोगों का आज एनिवर्सरी स्पेशल डिनर। यहाँ पे चिकन फ्राइड राइस लिया है, और यहाँ पे चिकन मंचूरियन है। सोचा आज थोड़ा सा चाइनीज़ खाते हैं, क्योंकि दोपहर को भी बिरयानी खाया था,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉस तो हम लोग का अभी डिनर हो गया है, जस्ट 10 PM ही हो रहा है, थोड़ी देर बाद हम लोग सो जाएंगे। तो ये रहा आज हम लोग का एनिवर्सरी डे व्लॉग, बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छे से इंजॉय किया हम दोनों ने। बहुत टाइम बाद एक्चुअली एनिवर्सरी में किधर बाहर आए, लास्ट एक बार कभी तो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में गए थे बाहर कुर्ग में, पर डेफिनेटली गोवा में ज़्यादा मज़ा आता है, तो बहुत मज़े किए, इंजॉय किया, अच्छा सा दिन गया। और हाँ, डेफिनेटली एनिवर्सरी का गिफ्ट मुझे पता है आप लोग पूछना चाहोगे, तो एनिवर्सरी का गिफ्ट ऑफकोर्स हम लोग लेके नहीं आए हैं, वो सब कुछ घर पे है। तो जब मैं घर पे जाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि हम दोनों ने एक दूसरे को क्या एनिवर्सरी में गिफ्ट में दिया है। सो गाइज, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा ये एनिवर्सरी व्लॉग अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।